हेलो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स टाइप वन। ठीक है, अब हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं पॉलीनोमियल्स की। इससे पहले जो वीडियो हमने पढ़ी थी उसमें हमने आप लोगों को बेटा वो ऐड करना सिखा दिया था कि किस तरीके से हम लोग पॉलीनोमियल्स को आपस में ऐड करते हैं, आपको सबट्रैक्ट करना भी सिखा दिया था। अब आप लोगों को सिखाएंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए टाइप वन में क्या होगा, आप लोगों को पहले सिंपल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये आपका सपोज करो ए है इनटू ए है इनटू ए है, ठीक है। अगर आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था तो वहां भी आपको यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सब चीज मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है। बेस क्या है बेटा, सेम है। और तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। तो यहां पर तो रहेगा बेटा आपका ए ही, लेकिन एक यहां पर है, एक यहां पर, एक यहां पर, टोटल कितना हो गया बेटा थ्री। अब आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं और ये आ जाएगा आपका ए की पावर थ्री। समझ में नहीं आया तो फिर समझ लीजिएगा, बताया भी होगा, पढ़ा भी होगा। अगर एक्स की पावर फोर है तो इसका मतलब है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। इस बार आप लोगों को ये मिलेगा और आपको ये आंसर लेके आना होता है, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर भी बताइए कितनी बार है, वन टू थ्री फोर फाइव। तो इसका मतलब हुआ हम इसे लिख सकते हैं b की पावर 5। समझ में आया, इस तरीके से हम लोग पॉलीनोमियल्स के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। हालांकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है तो ये तो काफी सिंपल है। अभी नंबर थ्री देखिएगा, नंबर थ्री में है आपके पास, अगर एक ए स्क्वायर हो, एक ए की पावर थ्री हो और एक ए हो, तो आप इसे किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखिएगा सोल्व करने का तरीका होगा, यहां पर ए लिखिएगा और पावर जो है उन्हें आप ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो पावर होती है हमेशा ऐड हो जाती है। पर ये ध्यान रखना है कि उनका जो नीचे वाला टर्म यानी कि जो बेस होता है वो सेम होना चाहिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं ए की पावर हो जाएगा 6। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये है ए की पावर 3, ए की पावर 3, ए की पावर 4। इसे आप स्वयं कर लेंगे बड़े आराम से। ये है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5। कुछ नहीं करना, x लिखना है और ये बेटा 5 बार है, ये 2 बार, एक एक बार ये है, तो 4 और 5 9 आपका आंसर आ जाएगा। x की पावर 9 होगा आंसर में, कर सकते हैं नो प्रॉब्लम। अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं b इंटू b, तो ये b का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम y इंटू y कर देते हैं, y की पावर 4 हो जाएगा, वो अलग बात है। यहां पे हम स्क्वायर कर दे, क्यूब कर दे, वो आपका अलग मेथड रहेगा, ठीक है बेटा। होगा तो इसी मेथड से, लेकिन वो ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तो काफी सिंपल लग रहा होगा आप लोगों को, इसी में अभी हम आगे बढ़ेंगे। एक आप सवाल ले लीजिएगा, अगर आपके पास सपोज करो ये 2x है और ये 3x स्क्वायर है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। या एक मिनट आप रुक जाइएगा, ये बताओ पहले ए कितनी बार है, एक बार, ये कितनी बार है, एक बार, ये कितनी बार है, 5 बार, ओके, और ये 10 टाइम्स। तो ये तो आप कर ही लेंगे। अब अगला टाइप देखिएगा, मतलब इसी में थोड़ा देखिएगा किस टाइप के साथ और हो सकते हैं। अगर आपके पास एक्स हो इंटू 2x हो, तो आप बताइए इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखियो एक बात को हमेशा ध्यान रखना, हमेशा इस चीजों को याद रखेंगे, ये है 3x इंटू 4x। आप हमेशा जो पावर है वो ऐड हो जाती है बेटा, ठीक है। यहां पे पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, लेकिन ये 2 की मल्टीप्लाई यहां पे जो 1 है उससे होगी, तो 2 1 जा 2 होगा और x की कुल पावर हो जाएगी 1 1 2। समझ में आया आप लोगों को, फिर से देख लीजिएगा, ये 4 की मल्टीप्लाई 3 में होगी, ये हो जाएगा आपका 12, एक्स का हो जाएगा स्क्वायर। नहीं समझ में आया, फिर से समझने की कोशिश करिएगा, कोशिश करेंगे ये सम में जरूर आएगा। ये है आप लोगों का 5x स्क्वायर इंटू 7x है आपका, सपोज करिए। तो पहले आपको देखना, देखो ये है एक्स स्क्वायर, इसके साथ दिखा हुआ है 5, तो ये इसका कोफिशियंट होगा, ये x है और ये 7 है, तो बेटा ये भी इसका कोफिशियंट है। तो कोफिशियंट की हमेशा मल्टीप्लाई होती है, आप हमें ध्यान रखना है, आप लोगों को भूल नहीं जाना है। तो 5 7 का कितने होते हैं 35, और अब देखिए ये x कितनी बार है, 2 बार, ये कितनी बार है, 1 बार, टोटल कितना हो जाएगा 3। तो जो एक्सपोनेंट होते हैं जिन्हें हम पावर कहते हैं, वो पावर को हम लोग यहां पर ऐड कर देते हैं। समझ में आया, ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब आप देखिएगा 12, टाइप 1 में इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। नंबर 12 में आप देखिएगा, ये है आपके पास 10x इंटू 2x की पावर 3 इंटू एक्स। अभी हमने केवल एक ही वेरिएबल ले रहे हैं, एक ही वेरिएबल का मतलब है क्या, तो सवाल आप देखिएगा क्वेश्चन आपका वाई वाई फॉर्म में ही है, या फिर ए ए फॉर्म में है, या बी बी फॉर्म में है। अभी हम लोग इनमें वाई एक्स भी सब ऐड करेंगे, देखिए किस तरीके से। 10 कितना होता है 20, यहां पर कोई नहीं है तो कोई टेंशन नहीं।
ये x कितनी बार है, 1 बार, ये कितना है 3, ये कितना है 1, तो कितना हो गया टोटल 5, भाई 3 4 5 आया समझ में, नहीं आया ओके, कोशिश करिए समझने की। ये देखिए 7x, ये 6x, क्या करना चाहिए देखो, जो पावर होती है वो ऐड हो जाएंगी, पावर यहाँ पे आपको देखिए कुछ नहीं दिखी तो 1 माना जाएगा, यहाँ भी 1 माना जाएगा, यहाँ भी 1 माना जाएगा, तो x तो आपके पास केवल 2 हो जाएंगे, तो ऐसे लिखने का तरीका होगा x की पावर 2, लेकिन 7 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, ठीक है बेटा। अब ये याद रखना है ये 2 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर पावर 1 बनती, अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ तो अब आप देखिए टोटल पावर हो जाएगी 4 और यहाँ पे 1 मानेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 5, ठीक है, समझ आ रहा आप लोगों को। चलिए जो क्वेश्चन मैंने सोल्व नहीं किया उनको आप प्रैक्टिस करके देखें, आराम से हो जाएंगे बिल्कुल इजीली। चलिए बताइए कैसे करेंगे, ये है आपका टेन एक्स वाई, ऐड करके देखते हैं और ये केवल एक्स वाई है, ठीक है बेटा। अब आप एक चीज देखिए यहां पे, यहां पर एक्स वाई के जो साथ में है ना बेटा टेन है, ये कोफिशिएंट कहलाता है, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो टेन बन जा क्या होता है टेन होता है, और x देखिए ये x कितनी बार है 1 बार, ये x कितनी बार है 1 बार, x के कितने हो टोटल 2, y यहां भी 1 है यहां भी 1 है, तो y के कितने हो गए 2, नहीं आया समझ में जी, बिल्कुल हो सकता है ना समझ में आया हो, फिर से ट्राई मारिएगा। ये है 7x² y * 6xy, सॉल्व करके देखते हैं कैसे करना है। आप लोग इसमें पहले 7 की मल्टीप्लाई कितनी होगी बेटा 6 में, ये हो जाएगा 42, x कितने हैं टोटल यहां पे गिन लीजिए, केवल 2 है, यहां पर 1 है, कितने हो गए 3, ये y कितनी बार है 1 बार, ये कितनी बार है 1 बार, कितने हो गए 2। एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे छोटा सा, 7x² y अगर यहां प्लस होता 6xy तो क्या आपस में मतलब सोल्व कैसे करते, क्या यहां पे भी आप मल्टीप्लाई कर देते, नहीं, मल्टीप्लाई जहां साइन लगा होगा वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर दूसरी बात है बेटा, अगर हमें देखो मैंने आपको बताया था जब हम लोगों ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलीनोमियल पढ़ा था कि प्लस माइनस के अपने अलग रूल होते हैं, इनटू के और डिवीजन के अपने अलग रूल होते हैं, तो इनके जो रूल है वो यहां लागू नहीं होंगे, तो यहां पर जो हो आपको इसे ऐड करना होगा। तो आप देखिएगा ये है x²y, तो क्या ये x²y है, नहीं है ना बेटा, नहीं, xy तो है, देखो ये भी xy है, ये भी xy है, लेकिन ये लाइक टर्म्स नहीं है क्योंकि यहां x की पावर 2 है और यहां x की पावर क्या 1, इसलिए ये होंगे अनलाइक टर्म्स, और जब अनलाइक टर्म्स होते हैं वो ना तो आपस में कभी भी ऐड हो सकते हैं और ना ही कभी भी वो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ध्यान रखना इस चीजों को। हाँ, अगर मैं यहां पे x स्क्वायर लगा दूं तो इस केस में क्या होगा, ये और ये बिल्कुल देखो सेम हो जाएंगे, वो अलग बात है, ये 7 बार है, ये 6 बार टोटल जुड़ के 13 हो जाएगा, लेकिन x स्क्वायर वाई आपका सेम रहेगा, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलग तरीके से होगा, उसके लिए आपको लाइक टर्म्स ढूंढने होंगे, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में बस आपको याद रखना है जो कोफिशिएंट, जैसे कि कोफिशिएंट है इसका कोफिशिएंट ये है, यहां पे कोफिशिएंट होगा उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो पावर होती है जिन्हें हम एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं उनको हम लोग ऐड कर देते हैं, बस ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अगर सपोज करिए मैं यहां पे 3 कर देता हूं, सपोज करिए, तो इस बार इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि वाई के कितने यूनिट हो गए भाई 3 यहां पर है और एक ये, तो टोटल हो जाएंगे 4, वाई की पावर 4, उम्मीद आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ये ऐसा करिए 16 आप खुद कर लेना, ये है आपका x * 3x², बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं, ये है आपका 7x² * 8x² * x की पावर 6, तो यहां पर आप लोग पहले 7 के पे मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा 7 8 56, एक्स कितनी बार यहां पे 2 बार 2 बार, और ये है बेटा 6 बार, टोटल हो जाएगा 10, आंसर आएगा 56 x की पावर 10, समझ आ रहा है आप लोगों को। नंबर 18 देखिएगा, नंबर 18 में क्या करना है, अगर आप लोगों के पास सपोज करिएगा 3x * 3x * 3x मिले तो इसको आप किस तरीके सोल्व करेंगे, पहले आप 3 3 9 3 27 लिखेंगे और x कितने हो जाएंगे आपके टोटल 3 ही हो जाएंगे, तो इसको लिखा जाएगा 27x की पावर 3,
समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए नंबर 19 देखिएगा, अगर हम इसे 3x स्क्वायर कर देते हैं, इसको 3x की पावर 3 कर देते हैं और इसको 3x ही छोड़ते हैं, तो बेटा अभी भी आपका 27 सेम रहेगा, लेकिन जो x की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, x की पावर हो जाएगी इस बार आपकी 6। समझ आया। नंबर 20 देखिएगा, अब टाइप बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें कोई मल्टीप्लाई का तरीका नहीं होगा कि आप किस तरीके से देख रहे हैं सवाल को। ये है 7xy into 2x स्क्वायर y की पावर 3, सब की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में। पहले आप 3, 7, 2 की मल्टीप्लाई कर लेना, फिर x आप अलग काउंट कर लेना, y को अलग काउंट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देखिएगा ये है ab इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए का क्यूब बी की पावर 4। इस बार आप देखिए कोई भी कोफिशियंट नहीं लगा, 2, 3, 4 नहीं है, तो आप आपस में तो कुछ नहीं आएगा, बस ए की पावर टोटल और बी की पावर टोटल लिख के आप लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसी में थोड़ा सा और वेरिएशन कर लेते हैं टाइप 1 में ही, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है आपका 1/2 है ना, पढ़ा होगा आपने इंटू 2a, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इस 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, यहां पे मल्टीप्लाई और लिखिएगा भाई, जब आप फ्रैक्शन को इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। समझ में आया, नहीं आया हो, फिर से देखिए 1/6, अब जरूर नहीं यहाँ पे 1/6 ही होगा, हो सकता है यहाँ पे आप लोगों को एक्स वाई भी साथ में लग जाए, ए भी मिल जाए साथ में, और यहाँ पे 36 कर दे एक्स का स्क्वायर और वाई की पावर 6 कर दे। तो आपको क्या करना है, जो आपके नंबर है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, उनको अलग कर लीजिएगा, मतलब जो 1/6 है इंटू आप 36 से अलग कर लीजिए, और बाकी बेटा ये एक्स कितने हो गए 3 और y कितने हो गए 7, बस आंसर आ गया आपका। तो ये काफी सिंपल तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए 6 का कितना होता है 36, तो यहां पे आएगा 6x की पावर 3 y की पावर 7, ये आ गया आपका आंसर। समझ में आप लोगों को, नहीं आया और समझ लीजिएगा, जब तक समझ में आए आप प्रयास करते रहे समझने का। नंबर 24 है, 24 में हम लोग करेंगे 2/3 x² y × 3/2 x² y/6 y/6। देखिएगा सबसे पहले आपको देखना बेटा, नंबर हमारे पास यहां 2/3 है, यहां पे 3/2 है, तो इनके आपस में आप अलग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2/3 × 3/2 अलग, एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान रखना है x की कितने हो जाएंगे 2 ये रहे 6 ये रहे, टोटल हो गए 8 और y की पावर हो जाएगी बेटा 7। इसको सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, मल्टीप्लाई का रूल है, तो ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, x की पावर 8 y की पावर 7। समझ आया, ये डिपेंड करता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का था। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा 3/7 a की क्यूब b इंटू 3/7 ए स्क्वायर बी या b की पावर 7, a को सेम छोड़ देते हैं, तो इसको किस तरीके सोल्व करेंगे आप, पहले आपको क्या करना होगा 3/7 × 3/7 करना होगा, a की पावर यहां 3 है यहां पर 1 है, तो टोटल हो जाएगा a की पावर 4 और बेटा b कितने हो जाएंगे 1 यहां पर है 7 यहां पर है, तो कितने हो गए 8। अब आप देखो ये आपस में नहीं कैंसिल हो रहे हैं, देखो आप कभी भी कैंसिल करेंगे मल्टीप्लाई में, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, कभी भी ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको सब पढ़ाया हुआ है, आप बेसिक मैथ्स की वीडियो देखिएगा, वहां पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन के नाम से वीडियो है, मल्टीप्लाई सीख लीजिए आपको आराम से हो जाएगा। 3 जा क्या हो गया 9, 7 जा क्या होता है 49, a कितनी बार है 4 बार, अच्छा वो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था, b की पावर 8। ठीक है, 25 क्वेश्चन टोटल आपके हो गए हैं, अब आप लोग जो है 26 क्वेश्चन देखेंगे, उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत जी, अच्छा पूरा समझ आ गया, वेरी गुड। x की पावर 3 y इंटू अगर हम यहां पे कर देते हैं 40x, बस केवल 40x करते हैं तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए पहले आपको क्या करना होगा 1/6 की मल्टीप्लाई 40 में करनी होगी, x के टोटल वैल्यूज हो जाएंगी 4, y आपका अकेला यहां पर है, तो यहां पे जो भी होगा सेम का सेम रहेगा। अब आप इन दोनों को देखिए कैंसिल कैसे होंगे, क्या 6 के टेबल में 40 आता है, तो आप कहेंगे सर नहीं 6 के टेबल में 40 नहीं आता, तो अब आप इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखिए आप इनको 2 से काट सकते हैं, 2 से 3 बार, 2 से ये 20 बार, तो कुल वैल्यू आपके ऊपर हो जाएगी 20/3 और ये वैल्यू आपकी सेम।
ना ज्यादा डरने की जरूरत है, ना घबराने की आवश्यकता है, आपका सवाल बड़े ही आराम से हो जाएगा सॉल्व। और देखिएगा अगर 2x 2/3 इसको आप सोल्व करना खुद ही, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6 इंटू आपके पास 6/8 हो और इंटू एक्स की पावर 6 वाई की पावर 7 हो तो किस तरीके से आप सोल्व करेंगे ये आप मुझे करके बताएंगे, ठीक है। अब नंबर 28 की बात करेंगे, 28 में हमारे पास है 1/8, अगर हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे 3xy की 32xy की तो क्या आंसर आएगा ये आपको बताना होगा। फिर 29 हमारे पास क्वेश्चन होगा, ये है 1/9x की क्यूब इंटू 2/3x की पावर 6 इंटू 9/8, देखेंगे आप किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे, चेक करने की कोशिश करें। बस इसमें क्या करना होगा, पहले 1/9 फिर ये वाला नंबर आ जाएगा, फिर बेटा ये वाला नंबर आ जाएगा 9/8, और फिर जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं उनको अलग करना है। वेरिएबल्स किन्हें कहते हैं, जो एक्स वाई से ऐड होते हैं, जैसे एक्स की पावर यहाँ 3 है, एक्स की पावर 6 है, टोटल हो जाएगा एक्स की पावर 9। समझ आ रहा है आप लोगों को, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 4 8 हो गया, फुल वैल्यू आप देख सकते हैं, ऊपर बचेगा आपके पास कुछ नहीं, जिसे 1 बोलते हैं, 1/4 में 4 3 जा होता है 12, x की पावर 9। अगर आप चाहें तो x की पावर 9 को ऊपर लिख सकते हैं, ये ऊपर ही माना जाएगा, नीचे नहीं माना जाएगा। मींस मैं कह रहा हूं ये x की पावर 9 अपॉन में 12 भी लिखा जा सकता है, ये भी आपका आंसर आ सकता है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, नंबर 30 है, यही सेम क्वेश्चन है, मैं इनकी वैल्यू चेंज कर देता हूं, 6/9 इसे कर देता हूं 14/12, ठीक है बेटा, ये वैल्यूज मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी है, देखेंगे आप किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे, तरीका समझ में आ गया होगा आपको मुझे उम्मीद है। 31 में है 6x2 y की पावर 6 है और ये x की पावर 7 और y सेम छोड़ देते हैं, सोल्व करके देखना। नंबर 32 ये है 1/10x की पावर 6 इंटू 100x की पावर 3, ओके। यहां पर आप देखेंगे ये है आपका 4/7ab³ इंटू 14/28 और ये हो जाएगा बेटा आपका a² b^7। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको आना चाहिए, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 34 है 2/7a³ 2/7a⁴ और नंबर 35 जो कि अंतिम क्वेश्चन है ये है एक्स वाई जेड हो सकता है, एक्स वाई का क्यूब हो सकता है, 3x³ हो सकता है, ठीक है। अब आप इन्हें सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।